नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली की सीमाओं पर किसान जमे हुए हैं। जी हां, क्योंकि आंदोलन जारी है और इस बीच सरकार की तरफ से किसान संगठनों को आज बातचीत के लिए बुलाया गया है। बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में किए जाने का प्रस्ताव दिया है। जीना है तो मरना सीखो, युग की ये आवाज है। मोदी तेरे राज में, फसल गई आज में। मोदी तेरे राज में, फसल गई आज में। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान और कृषि बिल को लेकर जारी है जबरदस्त घमासान। किसानों की घेराबंदी के बीच सरकार ने नई पहल की है और आज दोपहर 3 बजे किसान नेताओं को बातचीत के लिए विज्ञान भवन में बुलाया है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि जो किसान संगठन पहले दौर की बातचीत में शामिल थे वो बातचीत के लिए विज्ञान भवन आए। अक्टूबर और नवंबर में 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और तीसरे दौर की बातचीत के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय थी, लेकिन किसानों ने तय तारीख के पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार बातचीत पहले करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित। सरकार ने शर्तों के साथ दिल्ली का दरवाजा खोला था। बुराड़ी मैदान में किसानों के विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी, लेकिन किसान जंतर मंतर जाने की जिद पर अड़े हैं। उन्हें बुराड़ी का मैदान जेल जैसा लग रहा है। बुराड़ी ग्राउंड को ओपन जेल यानी कि कैद किसान करार दे रहे हैं, आखिर क्यों? ये जानने के लिए हमारे साथ तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ता और नेता भी हैं। आप देख रहे हैं पीछे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कृषि मंत्री और पीयूष गोयल साहब और मनोहर लाल खट्टर, इन सब की तस्वीरें हैं। उनका पुतला जो है वो फूकने की तैयारी में है किसान। और आखिर क्यों उनको लगता है ये ओपन जेल है, उन किसानों से पूछते हैं। हम बरारी में कैद हो गए हैं। बरारी में कैद क्यों? कैद इसलिए हो गए, हम जंतर मंतर पे जाना चाहते हैं। हमारे जथेबंदियों का जो लान था वो ये था कि जंतर मंतर में हम धरना लगाएंगे, वहां जाकर के बात करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी शर्त रख सकता है, हम किसान जथेबंदियां क्यों नहीं रख सकते? नतीजा ये है कि सरकार का बुराड़ी प्लान फेल हो गया। जो किसान यहां पहुंचे थे वो वापस लौटने लगे। जाते जाते पीएम और कृषि मंत्री का पुतला भी फूंक गए। दूसरी तरफ दिल्ली को घेर कर बैठे किसान बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं हैं और अब वो दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में हैं। राजधानी दिल्ली को वैसे तो पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाली कई सड़कें हैं, लेकिन ये 5 एंट्री पॉइंट्स सबसे खास हैं, जिसमें दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर, दिल्ली रोहतक हाईवे पर टिकरी बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली जयपुर हाईवे पर रजौकरी बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह बंद हैं। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान डेरा डंडा गाड़ बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर पर इनकी तादाद 2 से 3 हजार है। टिकरी बॉर्डर पर 1500 किसान जमे हुए हैं, जबकि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों की संख्या 1000 के करीब है। किसानों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद। किसान अब दिल्ली के बाकी बॉर्डर को बंद करने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राजस्थान के किसानों को दिल्ली जयपुर बॉर्डर को बंद करने को कहा गया है, जबकि आगरा मथुरा हाईवे को भी बंद किया जाएगा, यानी दिल्ली पूरी तरह से सील करने की कोशिश होगी। देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं, तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि किसानों के मन की बात सुनो, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और इसका जो सबक आपको मिलेगा, आप और आपकी पार्टी और ये रूलिंग पार्टी और भारत सरकार को हमेशा हमेशा याद रहेगा। इसके लिए हमारे किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। किसानों की 2 मांग है। पहली ये कि उनकी बात सुनी जाए
और उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर तक जाने दिया जाए। और दूसरी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। किसानों ने मन बना लिया है, लड़ाई लंबी चले तो भी पीछे नहीं हटेंगे। अन्नदाता पूरी तैयारी से जुटे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली घर बन गया है, सड़क पर लंगर लग गए हैं, किसान शिफ्ट में धरना दे रहे हैं। एक दल धरने पे बैठता है तो दूसरा दल खाने पीने के सामान की व्यवस्था करता है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। किसानों और सरकार के बीच की जो लड़ाई है वो अब आर पार की हो चुकी है। किसानों ने बीच हाईवे पर अपना तंबू तान दिया है, अपना टेंट लगा दिया है, अपनी झोपड़ी बना दी है। क्या है मकसद? और साथ ही साथ हम आपको एक और दिखाएं, एक यहाँ पर नोटिस भी चिपका दिया है और यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लागू है। क्या योजना है आगे? योजना ये है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो पेरीफेल जो है दिल्ली के चारों तरफ उसके नीचे लोग बैठेंगे और उसके ऊपर को भी जाम करेंगे, तो ये पूर्ण रूप से प्लान है। पुलिस और सरकार उन्हें दिल्ली के केंद्र कहे जाने वाले जंतर मंतर में किसी कीमत पर घुसने देने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। 14-14 DCP स्तर के अफसर बॉर्डर पर निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सादे लिबास में किसानों के बीच पुलिस के जवान घूम रहे हैं। मौसमी सिंह और कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।